खंडवा शहर में शरद पूर्णिमा पर विविध कार्यक्रम किए गए। शरद ऋतु के आगमन के इस पर्व पर मंदिरों में विशेष पूजा की गई। कई स्थानों पर रास गरबा भी किया गया। शरद पूर्णिमा के खास मौके पर चंद्रमा के प्रकाश में रखे खीर प्रसादी का वितरण हुआ। शहर के बुधवारा बाजार स्थित लक्ष्मी सत्यनारायण मंदिर में माहेश्वरी पंचायत ट्रस्ट की ओर से आरती दूध खीर का वितरण किया गया। कोरोना महामारी की गाइडलाइन के अनुसार सीमित संख्या में समाजजन एकत्र हुए। मंदिर में आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया और रास गरबा भी किया गया। माहेश्वरी समाज पंचायत ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण बाहेती ने बताया कि हर साल यहां पर समाज की ओर से बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण कार्यक्रम सीमित कर दिया गया। शहर के सुभाष नगर महिला मंडल के तत्वावधान में शरद पूर्णिमा के अवसर पर रास गरबा का कार्यक्रम किया गया। देर रात तक महिलाओं ने भजन और भक्ति गीत पर गरबा नृत्य किया। इसके बाद प्रसाद के रूप में खीर का वितरण किया गया। सोशल डिस्टेंस का ध्यान भी रखा गया। आप ये बताइए, आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके बारे में बताइए। इससे पहले मतलब इस बार तो कोरोना काल रहा जी, इस वजह से सांकेतिक कर रहे हैं। हर साल मतलब किस पैमाने पर इसको मनाया जाता है? हमारे माहेश्वरी समाज खंडवा के द्वारा शरद पूर्णिमा उत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थिति में नहीं कर पा रहे हैं, जिसे गत वर्षों में हमने गरबों के भी आयोजन यहाँ पर किए थे। साथ ही शरद पूर्णिमा के अवसर पर विशेष आरती का आयोजन श्री सत्यलक्ष्मी नारायण मंदिर में होता है। उसके बाद यहाँ पर दूध वितरण की दूध की प्रसादी होती है। विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है, जिसमें बच्चों वगैरह को पुरस्कृत भी किया जाता है। साथ ही गरबा रास वगैरह भी करते हैं, जिसमें बच्चे वगैरह बहुत उमंग के साथ उत्साहवर्धक रूप से लेते हैं। परंपरा का निर्वाह करने के लिए आज यहाँ पर सिर्फ सांकेतिक तौर पर हम शरद पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए हमने यहाँ पर नीचे शरद पूर्णिमा पर विशेष आरती का आयोजन किया गया। और यहाँ पर अभी हमारे माहेश्वरी मंडल के अध्यक्ष उमेश बाहेती जी के नेतृत्व में यहाँ पर पूरी टीम शरद पूर्णिमा उत्सव पर दूध वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग परिवार के दूध लेंगे। मुझसे आप बताएं, इस बार मतलब जो ये कार्यक्रम है सांकेतिक रूप से आप कर रहे हो, तो हर बार मतलब जो प्रतियोगिताएँ हुई हैं इसमें समाज के बच्चों का जो उत्साह रहता है, तो इसमें प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए भी आप कुछ करते हैं? प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए महेश नवमी पर प्रोग्राम होता है, उसमें उनको उस वक्त पुरस्कार दिया जाता है। अभी तो सिर्फ गरबे प्रतियोगिता होती है और इस वर्ष तो बहुत सांकेतिक रूप में हो रहा है, हर वर्ष बड़े विशेष रूप में होता है। इस बार गरबे का आयोजन नहीं? नहीं, इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होता है। इस बार बहुत छोटे से रूप में शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम मनाया जाता है। कोरोना संक्रमण में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माहेश्वरी पंचायत ट्रस्ट माहेश्वरी मंडल द्वारा कोरोना संक्रमण से संबंधित झांकी जो है बनाई गई थी जन्माष्टमी के ऊपर, और हमारा सबका यही मकसद था कि लोग कोरोना से जागृत हों। इसलिए कोरोना संक्रमण में हमारे समाज द्वारा 1,00,000 रुपये जहाँ रेड क्रॉस को दिया, सैनिटाइजर मास्क का वितरण पूरे शहर में किया, साथ ही लोगों को जानकारी देने के लिए पूरे मंदिर को 5,000 सैनिटाइजर की बोतलों से और कोरोना संक्रमण से बचाव की सामग्री से सजा के एक स्पेशल थीम दी गई थी, जिसकी पूरे राष्ट्रीय स्तर तक सराहना की गई थी। तो हम चाहते हैं कि अभी भी प्रभु कोरोना संक्रमण से सभी को बचाएं, और इसी उद्देश्य को आज लेते हुए भी हम बड़ा आयोजन नहीं कर रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए इस आयोजन को प्रतीक स्वरूप कर रहे हैं। मैं नारायण बायती, अध्यक्ष माहेश्वरी पंचायत ट्रस्ट। उमेश बायती, माहेश्वरी कार्यक्रम। शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम हम लोग महाराष्ट्र का कार्यक्रम 15 सालों से हमारा होता आ रहा है। 15 सालों से तेजस्वी सुभाष नगर महिला मंडल भगवान की राज पूर्णिमा मनाता है और दूध उबालते हैं उसमें, और कन्याएं भी अपना गरबा रास करती हैं, महिलाएं करती हैं, और कन्या भोज भी हुआ है सवेरे। 15 साल से भी ज़्यादा कन्या भोज भी होता आ रहा है। 9 दिन प्रति गरबे भी होते हैं माता के, और माँ की आराधना पूरे धूमधाम से हमारी बहनें करती हैं।
और ये राज पूर्णिमा के 12 बजे के करीब भगवान कृष्ण की आरती होगी और आरती के बाद दूसरी प्रसादी भी पड़ेगी। इस बार जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो इस बार प्रोग्राम में कुछ चेंज किया है? हाँ, कुछ चेंज है। ये कोरोना महामारी के चलते जो सरकार की गाइडलाइन बनाई गई है उसके अनुसार ही हम लोग गरबे कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए, और कभी मास्क का भी, मतलब सभी लोग हम मास्क का भी उपयोग करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कर लिए। पूरे 9 दिन हम लोग गरबे कर रहे हैं, गरबे में कर पा रहे हैं, इसलिए मास्क का थोड़ा सा, पर हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, और जो सरकार की गाइडलाइन बनाई गई है कोरोना के चलते हुए उसका सभी को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं, बच्चों को भी, महिलाओं को, सभी को इस प्रकार जागरूक भी किया। जनता के लिए क्या संदेश के लिए? यही कोरोना महामारी के चलते हम लोगों का सभी से ये अनुरोध है पूरी खंडवा शहर की जनता से कि इस महामारी को हल्के में ना लें और इसको अपने क्या बोलते हैं सभी लोगों को जागरूक करें और इससे अपने बचाव जिस तरीके से सरकार ने बताया उस अनुसार अपने बचाव करें और बच्चों को, बूढ़ों को, जो जिस तरीके से बुजुर्ग लोगों को बताया गया है तो उनको थोड़ी सी दूरी बना के रखें और मास्क जो हमारा जीवन है उसको जरूर उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। महिला मंडल हमारे हर प्रोग्राम हम लोग कितने मेंबर हैं? इसमें करीब 200 मेंबर हैं। और यहाँ पर मतलब हर त्यौहार पे कार्यक्रम वगैरह सब? हर त्यौहार हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। हाँ जी, हर त्यौहार यहाँ पे मनाते हैं। आज शरद पूर्णिमा का भी हम धूमधाम से यहाँ पे मना रहे हैं, होली मिलन भी मनाते हैं, दिवाली मिलन भी मनाते हैं और गणगौर फेस्टिवल मनाते हैं। सभी त्यौहार हम यहाँ पे मनाते हैं। आपस में कामिनी मंडल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।